हेलो एवरीवन दिस इज़ अदिति एंड आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अटेंडेंस रजिस्टर को कैसे मेंटेन किया जाता है ये बी सेमेस्टर फोर का एक प्रैक्टिकल पार्ट है और बहुत सारी स्टूडेंट्स जो कि किसी भी रीजन से स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको प्रॉब्लम आती है अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करने में तो आज हम समझेंगे कि अटेंडेंस रजिस्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कैसे मेंटेन होता है लेट्स बिगिन ओके सबसे पहले हम डालेंगे नेम ऑफ स्कॉलर दैट इज़ नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है दैट इज़ आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप उनके नाम लिखेंगे ठीक है अब जनरली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास होते हैं वो होते हैं थर्टी ठीक है 30, तो कोशिश करिएगा कि उससे ज़्यादा ना हो और अगर आपकी क्लास में थर्टी से ज़्यादा बच्चे हों तो आप वो मैंशन करिएगा क्योंकि जो चीज़ है एग्जैक्ट आप वही मैंशन करिएगा ठीक है नेक्स्ट क्या है डी ओ बी दैट इज डेट ऑफ बर्थ दैट इज़ हर स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो मैंशन करेंगे उसके बाद का कॉलम है फादर्स मदर्स और गार्डियंस नेम एंड एड्रेस ठीक है तो हर बच्चे का जो फादर्स नेम होगा या फिर मदर्स नेम होगा या उसका जो भी गार्जियन होगा उसका आप नाम लिखेंगे और उस बच्चे का जो घर का एड्रेस होगा आप उसका नाम लिखेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है कैटेगरी ठीक है तो बच्चे की जो भी कैटेगरी होगी आप वो मेंशन करेंगे जनरल एस ओबीसी और अगर बच्चे की कोई कैटेगरी नहीं है तो आप वहाँ पे डैश लगा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है फ़ोन नंबर तो हर बच्चे का जो घर का फ़ोन नंबर होगा आप वो मेंशन करेंगे ठीक है और जो लास्ट कॉलम बना है वो बना है रिमार्क्स का ठीक है दैट इज़ कुछ बच्चे होंगे आपकी क्लास में जो कि न्यू एडमिशन होंगे तो उस बच्चे के सामने आप क्या लिख देंगे न्यू एडमिशन ठीक है अब आप इसको देखे बिल्कुल मत घबराएगा क्योंकि जो कुछ कॉलम्स मैंने ऐड किए हैं जैसे कि कैटेगरी का है तो वो बहुत स्कूल में वो कॉलम नहीं होता है ठीक है तो आप अपने स्कूल से पूछ लीजिएगा कि कौन से कॉलम्स होते हैं ठीक है थीके? और एल्स आप इन्हीं कॉलम्स को नोट कर सकते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे आप लोग बच्चों के सारे नाम लिख देंगे ठीक है मेरी क्लास में थर्टी वन स्टूडेंट्स थे तो मैंने थर्टी वन नेम्स लिखे ठीक है अब यहाँ पे आइदर यू कैन यूज़ ब्लैक पेन और ब्लू पेन हर स्कूल में अलग पेन यूज़ होता है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके स्कूल में ब्लैक पेन चल रहा है या ब्लू पेन चल रहा है मोस्टली ब्लैक पेन यूज़ होता है ठीक है अब वन टू फोर हॉलीडे है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं आप एक रूलर लीजिए और पूरा उसको मार्क करके हॉलीडे लिख दीजिए ठीक है एच ओ एल आई डी ए वाई और फिफ्थ को क्या है संडे है तो आप उसी पूरे कॉलम में एस यू एन डी ए वाई संडे लिख लीजिए ठीक है आप बच्चे की जब आप अटेंडेंस लेंगे तो आप प्रेजेंट uh, पी से शो करेंगे और एबसेंट ए से शो करेंगे ठीक है कभी कभी एब्सेंट ए की जगह एल भी लिख दिया जाता है एल का मतलब क्या होता है लीव ठीक है समझ में आया जब हॉलीडे होगा तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम में एच ओ एल आई डी ए वाई हॉलीडे करके शो करेंगे जब संडे होगा तो आप उस कॉलम में संडे करके शो करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द डेज आप बच्चे की एबसेंट ए से मार्क करेंगे और प्रेजेंट पी से मार्क करेंगे जो एब्सेंट होता है वो रेड पेन से मार्क होता है जो हॉलीडेज होती हैं जो संडे होता है वो सब रेड पेन से मार्क होता है ठीक है ग्रीन पेन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है ठीक है अब आप लोगों ने अटेंडेंस ले ली ओके तो नीचे देखिए ऑप्शन क्या है टोटल अटेंडेंस टोटल एनरोल्ड ठीक है टोटल एनरोल्ड यानी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं थर्टी वन तो हमने क्या लिखा है पूरी जगह थर्टी वन और टोटल अटेंडेंस कितनी है टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट बच्चे उस दिन कितने हैं ठीक है दैट इज़ जैसे मैंने क्या किया सिक्स तारीख को सिक्स जनवरी को मेरी क्लास में टोटल थर्टी वन बच्चे थे जिसमें सिर्फ ट्वेंटी टू बच्चे आए तो मैंने क्या लिख दिया ट्वेंटी टू ओके और एब्सेंट कितने थे एबसेंट थे टोटल नाइन तो ट्वेंटी टू के ऊपर आपने क्या मेंशन कर दिया नाइन वो आप किस पेन से मेंशन करेंगे रेड पेन से ठीक है और ऐसे ही आप बाकी सारे दिनों का भी करेंगे ओके okay? उसके अलावा अगर किसी भी रीजन से छुट्टी हुई है तो वहीं पे आप नीचे मेंशन कर देंगे जैसे डीएम ऑर्डर की वजह से अगर छुट्टी हुई हो ठीक है होली की वजह से छुट्टी हुई हो या किसी भी एक्स वाई जेड फेस्टिवल की वजह से छुट्टी हुई हो आप उसके ऊपर मेंशन कर देंगे ओके अब जब आप पूरी अटेंडेंस ले लेंगे एक मंथ की तो आपको हर स्टूडेंट की टोटल अटेंडेंस लिखनी होगी और टोटल एबसेंस लिखनी होगी ठीक है अब आपको लास्ट में क्या करना होगा आपको इन सब का टोटल करना होगा और आपको क्या मैच करना चाहिए कि जो आपने टोटल किया है पर स्टूडेंट का और जो आपने टोटल अटेंडेंस दी है पर डे की वो दोनों सेम आनी चाहिए ठीक है सेम चीज़ आप बाकी मंथ्स में भी करोगे पर वहाँ पे बस एक डिफरेंस होगा जो कि आपको ध्यान में रखना है अब नेक्स्ट कौन सा मंथ है फेब्रवरी ठीक है हर चीज़ वैसी ही हुई है वैसे ही हमने टोटल अटेंडेंस लिखे हैं वैसे ही हमने हर स्टूडेंट का टोटल अटेंडेंस किया है ठीक है लेकिन अब क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ है ठीक है तो आप क्या देखेंगे जो टोटल अटेंडेंस वाला कॉलम है उसमें तीन ऑप्शन आते हैं करंट मंथ अप टू लास्ट मंथ एंड ग्रैंड टोटल ठीक है तो करंट मंथ का क्या होगा जो आपने फेबररी में हर स्टूडेंट की टोटल अटेंडेंस ली है वो होगी अब अप टू लास्ट मंथ अप टू लास्ट मंथ का मतलब क्या है कि अब तक लास्ट महीने तक कितने बच्चे आए थे तो लास्ट मंथ तो हमारा क्या था जनवरी था तो अप टू लास्ट मंथ जैसे जो आदर्श है वो जनवरी में 18 डेज आया था और फेबर में 20 डेज आया है तो अब इन दोनों का ग्रैंड टोटल क्या हो गया 38 ठीक है और ऐसे ही आपको हर स्टूडेंट का करना है करंट मंथ अप टू लास्ट मंथ ग्रैंड टोटल ठीक है ये चीज़ आपकी टोटल अटेंडेंस में भी होगी और टोटल एबसेंस में भी होगी ओके और मार्च में भी सेम चीज होगी ठीक है हमने करेंट मंथ जितनी भी अटेंडेंस थी मार्च की हमने वो लिख ली अब अप टू लास्ट मंथ में आप क्या लिखेंगे जनवरी और फेबररी का टोटल ठीक है दैट इज जो आपने फेबररी में ग्रैंड टोटल किया था क्यों क्योंकि जब आप मार्च में है तो अप टू लास्ट मंथ क्या हो गया जनवरी फेबररी ओके okay? तो ऐसे करते करते आप बाकी सब महीनों का निकाल लेंगे ठीक है अब इसी फाइल के साथ एक और फाइल बनती है बहुत कॉलेजेस में बनती है और बहुत कॉलेजेस में नहीं बनती है और वो फाइल होती है अटेंडेंस रजिस्टर एनालिसिस ठीक है जहाँ पे हम लोगों को जो अटेंडेंस रजिस्टर हमने बनाया है उसी का एनालिसिस करना होता है दैट इज़ अटेंडेंस डेट क्या होता है ओके एवरेज अटेंडेंस डेट क्या निकला है जनवरी का टोटल एवरेज अटेंडेंस रेट क्या निकला है फेब्ररी का कितना निकला है मार्च का कितना निकला है उसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आए हैं कि की फुल अटेंडेंस रही है ठीक है फुल प्रेजेंस रही है आप वो मेंशन कर सकते हैं उसके अलावा आप स्टूडेंट की एबसेंटीज मेंशन कर सकते हैं किस किस स्टूडेंट ने लीव एप्लीकेशन दी और किस किसने नहीं दी आप वो मेंशन कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको अपनी फाइल को और इंटरएक्टिव बनाना है तो आप पर स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं फुल प्रेजेंस का और एबसेंटीज़ का ठीक है उसके अलावा आप बता सकते हैं कि हर मंथ में कितने संडेज थे कितनी हॉलीडेज़ थी कब कब क्लासेस सस्पेंड हुई थी ठीक है एट्सेट्रा तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया हो कुछ चीज़ें आपको और नोट करनी है जैसे जो स्टूडेंट्स का नेम है ठीक है बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है वो अल्फ़ाबेटिकली होता है बहुत सारे स्कूल्स में जो बच्चों का एडमिशन बाद में हुआ है उनका बाद में अटेंडेंस रजिस्टर पर चढ़ता है तो उनका रोल नंबर बाद का मिलता है लेकिन जिन बच्चों के नाम आपने लिख दिए हैं वो एज़ इट इज़ हर मंथ में सेम रहेंगे फिर आप उसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे ठीक है तो आप भी अपने स्कूल से कंसल्ट कर लीजिएगा कि आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो अल्फाबेटिकली उनको प्रेजेंट किया गया है आपके अटेंडेंस सिस्टम में या फिर जो लेट एडमिशन वाले बच्चे हैं उनको बाद में किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपका हर मंथ चलेगा ओके मैं आप लोगों को एनालिसिस ऑफ एटेंडेंस रजिस्टर नेक्स्ट सेशन में शेयर कर दूंगी और अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आया हो हल्की सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा थैंक यू